आज हम लोग अपने होम टाउन औरंगाबाद जिले के नबीनगर में हैं। यहाँ पे जो है दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे आज जो है अष्टमी का दिन है। यहाँ रोड को जो है रोड लाइट के द्वारा सजाया गया है, जो कि औरंगाबाद नबीनगर पथ मुख्य पथ है, जो कि पुनपुन पुल के पास से लेकर के स्टेडियम के लास्ट बाउंड्री तक ये रोड लाइट के द्वारा रोड को सुसज्जित किया गया है, सजाया गया है, जो कि बड़ा ही जो है मनमोहक है, बड़ा ही खूबसूरत है। अब ये एंट्री गेट देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है, जो कि जय जवान संघ के द्वारा जो है ये बनाया गया। तीसरा साल जो है यहाँ पे पंडाल का जो है आयोजन किया गया, पंडाल जो है बनाया गया है, जो कि बड़ा खूबसूरत एंट्री गेट, बड़ा ही मनमोहक है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है रुक करके सेल्फी वगैरह भी ले रहे हैं। तो इसी एंट्री गेट के द्वारा अंदर चलेंगे और अंदर जो भी कुछ दिखाने का हमें अपने ब्लॉग में दिखाने का प्रयास करूँगा, ब्लॉग में बने रहे। तो चलिए अंदर चलते हैं और जो भी कुछ जैसे झूला वगैरह बहुत सारा कुछ। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल टू रास्ता। आज है एक नए ब्लॉग के साथ। आज जो है हम अपने औरंगाबाद जिले के नबीनगर शहर में है, जहाँ जो भी आपका पंडाल बना हुआ है अनुग्रह नारायण स्टेडियम में। तो आज आप हमारे साथ पूरा पंडाल जो है विजिट करेंगे, साथ ही यहाँ काफ़ी श्रद्धालु भी आए हुए हैं और बहुत सारा बच्चों लोग को घूमने के लिए झूला वगैरह भी है, बहुत कुछ है एंटरटेनमेंट के लिए। तो चलिए पूरा कुछ सब कुछ हम दिखाने का प्रयास करेंगे, वीडियो में बने रहें। तो ये जो मुख्य द्वार है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ से आ रहे हैं, भीड़ भी काफ़ी है। तो चलिए सब कुछ आप हमारे साथ देखेंगे वीडियो में, ब्लॉग में बने। तो आप देख सकते हैं गाइस, जैसे ही आप एंट्री गेट से जैसे ही इन करेंगे तो सामने ही आपको पंडाल दिखेगा, जो कि एक भव्य पंडाल, जो कि तीसरा साल लगातार ये पंडाल यहां पर बनाया जा रहा है, आयोजन किया गया है। तो जैसे ही इसे फ्रंट में आप सीधे आएंगे फील्ड के मेन द्वार से, जो कि अनुग्रह नारायण स्टेडियम में, तो यहां पे आपको राइट साइड पे प्रसाद वगैरह का जो है वितरण का जो है काम चल रहा है, वितरण किया जा रहा है, और लेफ्ट साइड पर आपका जो है स्टेज है, और सामने सामने पूरा फील्ड देखिए, हजारों हजार के संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पे घूम रहे हैं। अभी जो है मुख्य सामने से मैं ये जो जय माँ विंध्यवासिनी जय जवान संघ के द्वारा गजना माता धाम का जो है प्रतिमा बनाया गया है, जो कि पंडाल के रूप में, वह मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल फ्रंट से है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग जो हैं खड़े हैं और यहाँ पर जो है सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। साथ ही साथ अंदर में जो दुर्गा माता की प्रतिमा है वो भी देखिए, बड़ा ही मनमोहक है। अंदर एंट्री गेट में लोग जो है अंदर भी हैं और बाहर से भी लोग जो है खड़े होकर के, यहाँ पे पीछे में लाइट लगाया गया है, तो यहाँ पे सेल्फी वगैरह भी जो है ले रहे हैं। अभी हमारे साथ पूरा जो है मेले के अंदर जितने भी भीड़ हैं और क्या क्या कुछ झूले वगैरह भी हैं और बच्चे लोग के खेलने के लिए खिलौने वगैरह बहुत सारे ऐसे सामान मिल रहे हैं, खाने पीने के भी सामग्री मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए लाइट लगाया गया है, एक जगह जो है जस्ट आपका सामने सामने में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहाँ पर काफ़ी लोग जाकर के सेल्फी पॉइंट जो है सेल्फी पॉइंट ही मैं इसे कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोग सेल्फी ज़्यादा ले रहे हैं, जो कि पंडाल के जस्ट सामने है। मैं वहाँ भी उसको भी दिखाने का प्रयास करूँगा, जहाँ की गणेश जी की मूर्ति बैठाई गई है और वहीं पर लाइट भी अच्छा लगाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं, जो कि आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जितने भी स्टेडियम के पास जो भी बैठने के लिए बनाए हुए हैं, सारे जगह पर जो है लाइटिंग का काम किया गया है, लाइट लगाया गया है, जो कि एक आकर्षण जो है बनाता है, एक आकर्षण का केंद्र हम कह सकते हैं कि है। और लोग देख सकते हैं आप मोबाइल से यहाँ पे फोटो लेते हुए, अपना जो है सेल्फी लेते हुए। साथ ही साथ यहाँ पे जो है खाने पीने के सामग्री भी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह बहुत कुछ है। खैर यहाँ पर इतना स्पेस है कि आपको जो है भीड़ का अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा होगा, चूँकि पूरा स्टेडियम जो फील्ड है पूरा भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस होने के कारण भीड़ का अंदाज़ा आप नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देखा महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में लोग जो है उपस्थित हैं। साथ ही साथ बच्चों के खेलने के लिए देखिए यहाँ पर बहुत सारे सामान है, और यहाँ पर चाट समोसा कुल्फी जो खाने पीने की भी सामग्री मिल रही है, वहाँ भी लोग उसका भी लुत्फ उठाते हुए श्रद्धालु जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे घूम रहे हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं, जो भी पर्यटन यहाँ पे घूम रहे हैं, बड़ा ही अंदर से उन लोगों को खुशी महसूस हो रही है। साथ ही साथ यहाँ देखिए बड़ा वाला झूला है बच्चों के खेलने के लिए, जो है जंपिंग यहाँ पे है, जिसमें बच्चे जाकर जंप कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लेडीज़ की जो सामान होती है, जो आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर जो है बेचा जा रहा है। वहाँ भी कुछ श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं वहाँ भी उसके भी जो है शॉपिंग कर रहे हैं। तो एक छोटा मोटा जो है झूला वगैरह होता है, और यहाँ पे जो सामान मिलते हैं यहाँ पर जो है सामान लेना, ये सब भी एक बड़ा अपने आप में जो है मनमोहक है। यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी जो सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी भीड़ है, जो है झूला लगातार जो है जैसे ही खाली हो रहा है लोग जो है उसमें बैठ रहे हैं। तो ये सारा कुछ आज हमारे साथ आप देखेंगे, वीडियो में बने रहें।
इस बार का दशहरा यानी दुर्गा पूजा है कुछ खास, जो बच्चों के लिए काफ़ी सारे खुशियां लेकर के आया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बच्चे बच्चे छोटे छोटे जो है चढ़ रहे हैं और यहाँ से जंप कर रहे हैं। साथ ही साथ जस्ट बगल में एक जो है झूला है जिसमें सभी लोग जितने भी श्रद्धालु हैं छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी जो है इसमें जो है घूम रहे हैं। बड़ा जो है मनमोहक केंद्र का केंद्र बना हुआ है अनुग्रह नारायण स्टेडियम। मैं जो है अपने तरफ से और खास करके यहाँ जितने भी श्रद्धालु आए हैं सभी के तरफ से जय जवान संघ के जितने भी मेंबर्स हैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बड़ा ही जो है इस बार का दशहरा जो है आप लोगों ने जो है मनमोहक बनाया, मुख्य बनाया और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो है भीड़ हुए और काफ़ी लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं बच्चों के साथ। खेलने के लिए छोटे मोटे जो है खिलौने वगैरह भी बिक रहे हैं, खाने के कई सारे सामग्री भी हैं। कुल मिलाकर कहें तो फुल एंजॉय फुल एंटरटेनमेंट का आज केंद्र बना हुआ है अनुग्रह नारायण स्टेडियम। और यहाँ पे जो हमारे एक दो मित्र भी मिले उन लोगों से भी मैं जो है राय लिया, पूछा तो वो लोग भी बोले कि नहीं इस बार जो है बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह से होना चाहिए। तो मैं जवान संघ के जितने भी मेंबर्स हैं सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि हर साल कुछ नया करने का प्रयास करें। मैं सभी लोगों को तो नहीं जानता लेकिन एक जो है हमारे मित्र जो कि अमर सिंह जी, जिनका कि आपका शॉप मिलेगा थाना रोड जस्ट राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी दोनों साइड इनका दुकान मिल जाएगा। तो जैसे आप थाना रोड में इन करेंगे तो एक साइड में इनका जो है रेडीमेड कॉर्नर है, एक साइड में जो है साई जनरल स्टोर जिसमें कि आपको केक वगैरह दूध वगैरह का दुकान है, वहां जा करके आप जो है विजिट कर सकते हैं, इनसे मिलें। ये भी इनके जो है जय जवान संघ के मेंबर ही हैं और इन्होंने मुझे कहा कि इस पे जो है वीडियो बना करके इसको जो है दिखाने का काम कीजिए आप, ताकि लोग जो है जानें कि हाँ हमारे नबी नगर में भी अब जो है पंडाल जो है बनाया जा रहा है और लगातार बनाया जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि जय जवान संघ आपका हार्दिक अभिनंदन करता था, करता है और करता ही रहेगा। ये नहीं कि करता है और करता ही रहेगा, करता था, करता है और करता ही रहेगा। जय जवान संघ का जितने भी मेंबर हैं सभी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो भी मित्र हैं इसमें और भी कई सारे लोग हैं, शायद मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ या मैं उनसे जो है उनको मैं नहीं जान पा रहा हूँ, उन सभी को मेरे तरफ से जो है धन्यवाद। जितने भी श्रद्धालु हैं सभी के तरफ से भी धन्यवाद कि इसी तरह का आयोजन ये लोग करें, अपनी देख रेख में करें। और चलिए और भी बहुत कुछ है मेले में हमारे साथ, देखें एक सेल्फी पॉइंट भी है जो कि काफ़ी सारे लोग वहाँ जाकर सेल्फी ले रहे हैं, चलिए उसे भी अनुग्रह नारायण स्टेडियम का पंडाल जो है आप देख सकते हैं इस तरह से जो है बना हुआ है और ये लगातार जो है तीसरा साल जो है यहाँ पे पंडाल जो है बन रहा है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी क्राउड है, इसलिए अभी कल सप्तमी था तो सप्तमी से ज़्यादा आपको आज क्राउड मिल रहा है, काफ़ी सारा भीड़ है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कितने लोग भरे हुए हैं, हजार हजार की संख्या में श्रद्धालु जो है आए हुए हैं। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए झूला वगैरह भी है, साथ में यहाँ पे जो है चाट वगैरह समोसा खाने के लिए सामान और बच्चों के खेलने के खिलौने वगैरह काफ़ी कुछ मिल रहा है। तो बड़ा ही क्राउड आ रहा है, हमारे इस ब्लॉग में एंजॉय करें। और साइड में जो आप देख सकते हैं ग्राउंड में वहाँ भी कुछ बनाया हुआ है, तो चलिए ग्राउंड की ओर भी चलते हैं, वहाँ भी कुछ देखने गए, वहाँ पे बहुत अच्छा जो है बैठने के लिए और सेल्फी पॉइंट भी हम एक तरह से कह सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट भी है, यहाँ पे काफ़ी लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं, जो कि ग्राउंड में स्टेडियम जो बैठने का जगह है वहाँ पे जो है गणेश जी की मूर्ति बिठाई गई है, साथ में जो लाइटिंग का ऐसा काम किया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं, भारी मात्रा में लोग काफ़ी यहाँ पर भीड़ है, तो चलिए उसको हम दिखाने का प्रयास करें। आज जो है बच्चों लोग में जो भी लोग यहाँ पे हैं जो सेल्फी ले रहे हैं जो इतने खुश हैं ये बहुत ही खुशी की बात है नबी नगर की धरती के लिए, जो कि काफ़ी बच्चे देख रहे हैं जो है कूद कूद का जो है ग्राउंड पे जो है चढ़ रहे हैं ऊपर और सेल्फी ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बड़ा ही मनमोहक का केंद्र ये बना हुआ है और ये सब हुआ है सिर्फ जय जवान संघ के मेंबर लोग के ही द्वारा। और साथ ही साथ साइड में लाइटिंग का जो काम किया गया, जो लाइट से सजाया गया है, ये भी बड़ा मनमोहक है, जो कि मन को मोह लेने वाला दृश्य है, जो कि हम कह सकते हैं। ऊपर से आप जो यहाँ गजना माता का जो मंदिर का जो रूप दिया गया है इस पंडाल में, वो भी आपका जो है निःशब्द है, इसके लिए कोई शब्द नहीं मैं कह सकता अपने मुंह से कि कितना खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ पे साइड में जो झूला आप देख सकते हैं और जो भी भीड़ है सारा कुछ बड़ा ही मनमोहक इस बार का नबी नगर जो है दशहरे के मौके पे घूमने के लिए बड़ा ही मनमोहक एक दृश्य बना हुआ है नबी नगर का अनुग्रह नारायण स्टेडियम। ये भी
एक द्वार है जो कि बिल्कुल पीछे से है, जो कि औरंगाबाद से आते समय एजेंसी के साइड से आपको पीछे से मिलेगा। यहाँ पर पूजा की सामग्री मिल रही है और साथ ही जस्ट बगल में प्रसाद वितरण का जो है कार्य चल रहा है, जो कि जितने भी मेंबर हैं जय जवान संघ के, उन लोगों के द्वारा जो है प्रसाद वितरण का काम लगातार जो है चल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग लगे हुए प्रसाद वितरण का काम कर रहे हैं और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं प्रसाद का जो है आनंद उठा रहे हैं। तो चलिए आपको सारा कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ, इसके बाद हम लोग जो है चलते हैं झूले के साइड में और वहाँ भी कुछ देखेंगे। झूला का आनंद लेते हुए लोग काफ़ी खुश हैं और काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे झूला का आनंद लोग ले रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो है झूले में खड़े भी हो जा रहे हैं, मतलब फुल इंजॉय, फुल एंटरटेनमेंट का केंद्र बना हुआ है अनुग्रह नारायण स्टेडियम नबी नगर। इस बार दशहरे के मौके पर है कुछ खास और इसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं, जिन लोगों के द्वारा ये जो है कार्य जो है संपन्न हुआ है, जिन लोगों का सहयोग रहा है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं अपने और अपने जितने भी श्रद्धालु हैं सभी लोगों के तरफ से, कि आगे भी इस तरह का जो है आयोजन किया जाए ताकि लोगों में जो है खुशी का माहौल जो है बना रहे। क्योंकि साल में एक बार जो है मौका आता है प्रो फेस्टिवल वगैरह में, और इस तरह का अगर जो है खुशी के लिए बच्चों लोग को खेलने के लिए खिलौने वगैरह या झूले वगैरह आते हैं तो बहुत ही एक तरह का मनमोहक का केंद्र बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कैसे बच्चे बच्चियाँ जो है लाइन में लगे हुए हैं माताएँ बहनों, और जो है अपने जो है झूले पे चढ़ने के लिए अपनी पारी का इंतज़ार करते हुए एक तरह से कर सकते हैं। तो आज जो है अष्टमी के मौके पर आज जो है हाउसफुल चल रहा है, जो कि सप्तमी के मौके पर शायद इतनी भीड़ नहीं थी, इतनी क्राउड नहीं थी, लेकिन आज काफ़ी सारे यहाँ पे भीड़ है और यहाँ पे एक संचालक भी हैं जो इसको जो है संचालित कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट डे अगर कभी मौका मिलता है तो मैं फिर इसे दिखाने का प्रयास करूँगा अगले वर्ष। और आप हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं और ब्लॉग से रिलेटेड या रसोई के से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज जो है नबी नगर का आपको ब्लॉग दिखाया गया, जो कि अपन नबी नगर आप देख सकते हैं औरंगाबाद ज़िले के अंदर कितना मनमोहक दृश्य जो है, बड़ा खूबसूरत रहा, बड़ा मन जो है प्रफुल्लित हुआ। धन्यवाद मैं फिर से उन लोगों को करना चाहता हूँ जिनके चलते, जिनके सहयोग से ये कार्य जो है सम्पन्न हो पाया है। धन्यवाद सर।